साहब। गाड़ी मैंने होटल के गैराज में पार्क कर दी, ये हो सकता है। आपको क्या हो साहब, आपके बोलते क्यों हो साहब? साहब साहब आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं साहब? साहब आप कुछ बोलिए ना साहब। साहब क्या हो साहब, क्या हो साहब? क्या हुआ साहब? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने रूम में सो रहा था। हाँ साहब, आपने मुझे दवाई लाने के लिए कहा था। जब मैं वापस आया तो देखा आप चल रहे थे, आप नींद में चल रहे थे साहब। नींद में? दवाई कहाँ है? ये सर। अरे आप ठीक तो हैं साहब? शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा। आप लोग जाइए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। साहब तुम भी जाओ। अरुण नहीं साहब, आपको मैं रूम में अंदर छोड़ के जाऊंगा साहब। नहीं, होटल में मेरा दम घुटता है, मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी लेके अकेले घूमने जाऊंगा। चाबी दो। हाथों से पहनाऊंगा। तुझे इसका पहना के क्या शॉट है बेबी, क्या शॉट है! अरे पब्लिक की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस एक सीन से ही हमारा सीरियल हिट हो जाएगा और हमारी टीआरपी 15 तक पहुंच जाएगी।
ओके थैंक यू सर, चलती हूँ मैं। रीटा तुम्हें हम घर तक छोड़ के आएंगे। नहीं इट्स ओके सर, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, मैं निकल जाऊंगी। अरे भाई ये दोनों तुम्हें छोड़ के आएंगे। नहीं इट्स ओके सर, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं निकल जाऊंगी। ओके सर गुड नाइट, चलती हूँ मैं। ओके गुड नाइट रीटा, कल सुबह जल्दी आ जाना, पहला शॉट तुम्हारा। या ओके डेफिनेटली सर, या आज की तरह नहीं होना चाहिए। सर वो गाड़ी तो वहाँ भी थी जहाँ शूटिंग कर रहे थे। सर मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे भाई कोई हमारी तरह लेट अपने घर जा रहा हो। नहीं सर, पर वो गाड़ी भी सफेद थी। सफेद गाड़ियाँ तो सैकड़ों हैं इस शहर में। लगता है सस्पेंस सीरियल करके तुम हर चीज को शक की नजर से देखने लगी। अब तो मुझे तुम्हें घर छोड़ने जाना ही पड़ेगा। नहीं इट्स ओके सर, मैं निकल जाऊंगी, शायद मेरा वहम है। ओके सर थैंक यू, चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है सस्पेंस सीरियल करके तुम हर चीज को शक की नजर से देखने लगी। पता चलता है सर, खून किसी नुकीली चीज से किया गया है, शायद चाकू से। खून क्या बेटे के मकसद से किया गया? सर गले का मंगलसूत्र, कान की बालियां और ये चूड़ियां किसी झटके से खींच कर निकाली गई हैं। ये देखिए सर, ये पर्स में 1000 रुपए मिले हैं जिन्हें छुआ तक नहीं गया। इसका मतलब ये खून चोरी के लिए नहीं किया गया, तो फिर इस बेरहमी से किसी को मारने की क्या वजह हो सकती है? अरे विटनेस कोई गवाह? कोई नहीं सर। इन्हें आखिरी बार किसने देखा था? मैं मतलब जिंदा। इन्होंने। ये कौन है? सर ये उस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं जिसमें रीटा काम कर रही है। इन्होंने ही रीटा को यहाँ छोड़ा था। इसका कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं सर, इनके साथ 2 आदमी और भी थे, मुझे नहीं लगता इसमें इनका हाथ है। दरअसल गलती मेरी है, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बेचारी कह भी रही थी कि कोई सफेद गाड़ी इसका पीछा कर रही है। सफेद गाड़ी? जी हाँ, मैंने भी देखी थी, यहीं से तो गई। क्या नंबर था सॉरी? नंबर की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना मुझे पक्का याद है कि गाड़ी का रंग सफेद था और उसके शीशे काले थे। अब तुम जाओ। ओके सर।
हेलो, कैसी रही तुम्हारी टूर? कुछ खास नहीं, जैसे हमेशा होती है वैसा ही। कुछ दिन बाद फिर जाना है अनंतपुर। जीजा जी, विक्रांत नगर में खून हो गया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अरे एकता, तुम आज ऑफिस नहीं गई? जीजा जी, ना दुआ ना सलाम, घर में आते ही सवाल करने लगे। अरे बाबा, अभी लौटी हूँ रात भर ड्यूटी करके प्रेस में, इसलिए आज सारा दिन घर में रहकर ये हमारी जान खाने वाली है। जीजा जी, आप होटल टूरिस्ट में ठहरे थे ना? हाँ, क्यों? खून तो होटल टूरिस्ट के पास ही हुआ था, आपने कुछ देखा सुना होगा? नहीं, मैं तो मीटिंग के बाद में अपने रूम में जाकर सो गया था। मुझे तो यकीन था कि आप वहीं होंगे। क्या मतलब? अरे बाबा, अगर आप वहीं होते तो मुझे अपने अखबार के लिए एक सनसनीखेज खबर मिल जाती। वैसे आपको क्या लगा, मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूँ? वैसे सफेद गाड़ी तो आप भी चलाते हैं। बस करो इतना, विनोद ने कहा ना, उन्होंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, चुप हो जाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं देखती हूँ। विनोद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम दवाई तो ले रहे हो ना? देखो विनोद, अगर तुमने ठीक से दवाई नहीं ली तो बुरे सपने और नींद में चलना फिर शुरू हो जाएगा। ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। जब बीवी डॉक्टर हो और पति बीमार तो वो मना कैसे कर सकता है? मैंने कल रात तुम्हारी होटल में फोन किया था देखने के लिए कि तुमने दवाई ली या नहीं। मैं सो रहा हूँ। ऑपरेटर ने कहा कि तुम बाहर गए हो। चल रहे थे, पूरी तरह से कांप रहे थे। तुम अपने रूम में जाओ एकता। लेकिन हुआ क्या दीदी? एकता, मैंने कहा ना तुम अपने रूम में जाओ। विनोद चलो, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देती हूँ। देखो तुम थोड़ा आराम कर लो उसके बाद। हाँ, फिर कल तुम्हें अनंतपुर जाना है। का दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका है, बुरी तरह से। अरे आपको क्या लगा, मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूँ? वैसे सफेद गाड़ी तो आप ही चलाते हैं। जीजा जी खून नहीं कर सकते, जीजा जी खून ही नहीं कर सकते। जाना क्या जरूरी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अरुण, साहब का ख्याल रखना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और विनोद, तुम दवाई लेना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा। रिलैक्स डॉक्टर साहिबा, एक ही रात की तो बात है, कल लंच तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। ओके, बाय बाय।
दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? चीचा जी के बारे में। क्या आप जीजा जी से कब मिली थी? तभी ना जब वो हॉस्पिटल में आपके पेशेंट थे और आप उनकी डॉक्टर। क्यों आज अचानक कैसे पूछे? जीजा जी को हुआ क्या था? ये बहुत पहले की बात है, आज क्यों पूछ रही हो? कुछ ठीक नहीं है। कल रात ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। कल रात को उन्होंने बुरा सपना देखा था। कोई भी इंसान बुरा सपना देखकर घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे। अनंतपुर में रहने की एक ही मुसीबत है, यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलती। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। अनंत वो देखो गाड़ी। अरे भाई साहब रुकिए जरा, अरे भाई साहब सुनिए जरा, ओ भाई साहब रुको, ओ भाई साहब सुनो। रोका तक नहीं। चलो आनंद यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी, चलो पैदल ही चलते हैं। ठीक है चलना ही पड़ेगा। अरे वो देखो, वो देखो इतनी रात गई और लगता है इसको भी टैक्सी की तलाश है। दूसरा खून, फिर उसी शहर में जहां आप टूर कर रहे थे, उसी होटल के पास जहां आप ठहरे थे। इस बार भी आपने कुछ नहीं देखा होगा? नहीं, मैं अपना काम खत्म करके सोने चला गया था, और सोने के बाद क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम। सोने के बाद क्या होता है आपको कैसे पता होगा? शादी चुपचाप अपना घर खाओ। ये मिला, ये तुम्हें कहां से मिला? गाड़ी से। ये तो मेरा है। तुम्हारा? हाँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी पहने नहीं देखा। वो खो गया था एक। अच्छा, इसका मतलब इसकी जोड़ी तो तुम्हारे पास होगी? हाँ होगी, कहीं रखी होगी मैंने। कहीं तुम जीजा जी को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? क्या हो गया तुम्हें इतना? जो मुंह में आता है बकती रहती हो, और तुम इस वक्त यहाँ गैराज में क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, मैंने कहा जाओ। प्लीज विनोद, विनोद क्या?
क्या हुआ? मुझे ये तुम्हारी कार में से मिला। तुम्हारा ही होगा, गिर गया होगा कार में। ये मेरा नहीं है। ये तुम्हारी कार में कैसे आया विनोद? मेरे किसी क्लाइंट का होगा। झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे बुरे सपने फिर शुरू हो गए। तुम फिर से नींद में चलने लगे हो। तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बताते? हाँ, मुझे बुरे सपने फिर से दिखाई देने लगे हैं और मैं नींद में भी चलने लगा। पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। कुछ याद नहीं रहता मुझे। अरुण सुनो जरा। जी मैम साहब। जब तुम साहब के साथ बाहर जाते हो तो क्या तुम हमेशा साहब के साथ रहते हो? मेरा मतलब है रात को भी? नहीं मैम साहब, साहब तो बड़े होटल में ठहरते हैं और हम ड्राइवर लोगों को तो अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ता है। और गाड़ी कहाँ रहती है? होटल की पार्किंग में या फिर गैराज में। और चाबी तो साहब के पास ही रहती होगी? जी मैम साहब, क्योंकि कभी कभी रात में साहब को नींद नहीं आती है इसलिए वो बाहर सैर के लिए निकल जाते हैं। मुझे डॉक्टर सैगल से मिलना पड़ेगा। अरे एकता, आप अचानक, जब से आपकी बहन शालिनी की शादी हुई है आपने तो आना ही बंद कर दिया। आइए। जी डॉक्टर साहब, दरअसल मैं अपने जीजा जी विनोद के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे आपसे उनके बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपको इसके बारे में आपकी बहन ने कभी कुछ नहीं बताया? खैर, ये देखिए, इसमें सब जानकारी है आपके जीजा जी के बारे में। इस फाइल में लिखा है कि आपके जीजा जी को अचानक खतरनाक दौरे पड़ने लगते थे जिसकी वजह से उन्हें बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे और उसकी वजह से वो नींद में चलने लगते थे। नींद में चलने लगते थे? हाँ। क्या आपको पता चला कि उन्हें वो बुरे सपने क्यों आते थे? ये देखिए, विनोद के दिमाग का स्कैन। ये देखिए, दिमाग के इस हिस्से में कुछ गड़बड़ है। विनोद के सोने के बाद यहां से कुछ ऐसे करंट निकलता है जिससे उसके दिमाग का ठीक से काम करना बंद हो जाता है और उससे वो नींद में चलने लगता है। फिर आपने क्या किया? पहले तो इस हिस्से को थोड़ा सा काट कर निकाला, फिर दवाइयां देकर करंट को काबू में लाया। मुझे तो लगा था कि विनोद कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन आपकी बहन शालिनी की वजह से विनोद ठीक हो पाए। क्या ये बीमारी वापस आ सकती है? अगर आपको लगता है कि विनोद की बीमारी वापस आ गई है तो ये बात बहुत सीरियस है। आप हमें बताइए, क्योंकि उसकी ये हालत दूसरों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आइए शालिनी जी, मुझे लगा ही था कि आप आएंगी। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बिना फोन किए ही चली आई। मैं विनोद को लाना चाहती हूँ कुछ टेस्ट करवाने के लिए। और एक बात, तुम्हें दूसरों के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। इन्हें लग रहा है कि विनोद की बीमारी वापिस आ गई है और ये आप भी जानती हैं कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? कुछ नहीं विनोद, थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो जाएगा। यू डोंट वरी। आखिर ये सब किस लिए? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो हमारी तसल्ली के लिए है। अब तुम आराम करो। लेकिन
सब की क्या जरूरत है? इससे हम तुम्हारे दिमाग के अंदर होने वाली हलचल को देख सकते हैं। अब हम तुम्हें सुला देंगे, फिर हम देखेंगे सोने के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या होता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। शारीरिक तू क्या विनोद गहरी नींद में है, अपनी इंजेक्शन तो जाते विनोद उठो विनोद 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 क्या कर रहा है विनोद मैं शालिनी हूँ विनोद अरे विनोद फिर से वही दौरे पड़ने लगे। ऐसा काम के जोर की वजह से हुआ है डॉक्टर, पिछले दिनों बहुत परेशान रहा और बार बार बाहर के टूर्स की वजह से ठीक से नींद भी नहीं आई है। हो सकता है इसी वजह से नींद में चलना और फिर सपने फिर से शुरू हो गए हैं। हो सकता है, फिर भी मुझे इलाज के लिए तुम्हें कुछ दिनों हॉस्पिटल में रखना ही होगा। ये नहीं हो सकता डॉक्टर, मुझे कल ही सोनपुर जाना है। क्या तुम इस टूर को टाल नहीं सकते? नहीं, लेकिन वहां से वापस आकर मैं ये इलाज करवा सकता हूँ। तो ठीक है, हम तुम्हारे आने के बाद ही इलाज शुरू करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, मैं अब राउंड्स में चलता हूँ और अपनी रिपोर्ट्स लेके जाइए। मैं आगे चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, रिपोर्ट्स वगैरह तुम ले आना। दीदी, ऐसी हालत में तुम जीजा जी को कैसे जाने दे सकती हो? विनोद बिल्कुल ठीक है, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। क्या तुम जानकर क्यों अनजान बन रही हो? तुम जानती हो ना जीजा जी ने किस तरह डॉक्टर सैगल को धक्का दिया और फिर तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जीजा जी ने ही उन लोगों का खून किया है। ओ शट अप, जस्ट शट अप। उसने किसी का खून नहीं किया, वो पागल नहीं है। उसका उन खूनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो दीदी, बहुत बड़ी, और मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने सारी दवाइयां रख दी है, लेना मत भूलना। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नहीं भूलूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। अरे यार, सोनपुर जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क नहीं, तू इतना घबरा रही हो? 4 घंटे का तो रास्ता है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो फौरन वापस आ जाऊंगा। तुम होटल परिहार में ही ठहरोगे ना? हाँ, रूम नंबर 110। दिन भर तो डीलर्स के साथ मीटिंग में निकल जाएगा, रात को भी देर हो जाएगी। एनीवे, बाय बाय। दीदी, मैं पूना जा रही हूँ। पूना? हाँ, वहाँ एक पॉलिटिकल मीटिंग है जो मुझे कवर करना है। तुमने पहले तो कुछ नहीं बताया, ये अचानक करो। मुझे भी आज ही पता चला है। बस 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 बस
आज बहुत काम हो गया, थक गया हूं। साहब अगर मेरी जरूरत ना हो तो मैं चलूं? ये गाड़ी की चाबी। हाँ हाँ दे दो। कभी कभी बहुत थकान की वजह से रात को नींद भी नहीं आती। जी आज भी अगर ऐसे हुआ तो गाड़ी लेके जरा घूमने निकल पड़ूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। दस ही बजे हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं पता करके रहूंगी। जिया जी कहां जाते हैं और क्या करते हैं। लग गई। ओह नो, जीजा जी की गाड़ी गायब है। बाली लगता है बहुत कीमती है। दरवाजा खोलिए जीरा जी। मैडम अभी क्या कर रही है? मैडम मुझे देखना है कि वो अंदर है या नहीं। दरवाजा खुलवाओ। मैडम रात के 3 बजे साहब अभी अंदर सो रहे होंगे। वो अंदर है ही नहीं। तुम दरवाजा खुलवाओ जीजा जी। अरे पर्स। ₹200? पहले कान की बाली और अब ₹200? तुम दरवाजा खोलो मैं कहती हूँ, खोलो। मैडम लगता है आप पागल हो गई। पागल? पागल मैं नहीं, पागल वो है पागल। आँख क्या लग गई, पता नहीं कहाँ निकल गया। मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं वहां से कचरे उठाते हुए जब यहाँ तक पहुंचा तो मैंने यहाँ एक लाश पड़ी हुई देखी साहब, और मैंने कुछ नहीं देखा साहब, कुछ नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने बस एक सफेद कार जाते हुए यहाँ से देखी साहब, एक सफेद कार साहब, बस एक सफेद कार, और कुछ नहीं देखा साहब। हाँ, एक सफेद कार। गाड़ी वापस आ गई। ओह माय गॉड,
इंजन अभी तक गर्म है, इसका मतलब जीजा जी अभी अभी आए हैं। देखती हूँ इस बार वो क्या कहते हैं। तुम इस वक्त इस शहर में क्या कर रही हो? ज्यादा एक्टिंग मत करो, मुझे ये बताओ तुम कहाँ गए थे? मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं था अपने कमरे में, नींद की गोली खा के सो रहा था। तुम झूठ बोलते हो। देखो एकता, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अंदर आकर कहो, यहाँ तमाशा मत करो। अंदर ताकि तुम मेरा खून भी कर दो। मैं मुंबई जा रही हूँ एसीपी नागपाल के पास, पास तुम्हारे साबित करके रहूंगी कि तुम ही खूनी हो। एकता, आखिर आप बताएंगे बात क्या है, आप ढूंढ क्या रहे हैं? क्या पता चल जाएगा छान मार। विनोद शर्मा, विक्रांत नगर, आनंदपुर और सोनपुर में हुए तीनों कत्लों के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें जेल में नहीं रख सकते, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना कोई गवाह, ना फिंगरप्रिंट्स। मैडम, आपके पति हर बार उसी शहर में मौजूद थे जहाँ पर खून हुआ, उनके पास वैसी सफेद गाड़ी भी है, मंगलसूत्र, कान की बालियां, यहाँ तक की टूटी चूड़ियों के टुकड़े भी उनकी गाड़ी से मिले। इसके अलावा आपको और क्या सबूत चाहिए? ये सब सबूत नकली भी तो हो सकता है कि कोई विनोद को फंसाना चाहता हो। मैडम, आप बेकार की बातें कर रही हैं, इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, एक बात और। क्या? जब से हमने आपके पति को पकड़ा है, उन्होंने एक बार भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि ये खून उन्होंने नहीं किया। विनोद, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? विनोद, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? विनोद बोलो, बताओ इन्हें। जाने दो, जाने दो। सच तुम भी जानती हो और मैं भी। क्या मतलब? देखो, मैं एक दिमागी रोग का शिकार हूं। सोने के बाद कहां जाता हूं, क्या करता हूं, कुछ याद नहीं रहता मुझे। सारे सबूत भी यही कहते हैं कि ये खून मैंने किया। तब तुम मुझे भी लगने लगा है कि ये खून मैंने ही किए होंगे, मैंने ही किए होंगे। तुम खून नहीं कर सकते। तो फिर आप ही बताइए मैडम के खूनी को। कोई भी जो विनोद की बीमारी का फायदा उठाना चाहता हो, फिर यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, विनोद खूनी नहीं है और ये अपने आप साबित हो जाएगा। कब और कैसे? अगर ये खून होने बंद नहीं हुए तो आपके सारे सबूत बेकार हो जाएंगे और आपको विनोद को छोड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये खून होने बंद होंगे। खूब बड़ी गली हमने आज है ना? रात बहुत हो गई है, कोई फिक्र तो नहीं करेगा? नहीं, मुझे तो इस तरफ जाना है लीना, तू चली जाएगी ना, डरेगी तो नहीं? ऑफ कोर्स नॉट यार, इसमें डरने की क्या बात है, मेरा घर यही पास में ही है। और ये बात तूने मुझसे अगर कल पूछी होती ना तो मैं जरूर डर जाती। अब वो पागल खूनी जेल में है, अब कैसा डरना। चल सकता है। बाय।
अब आपको यकीन हो गया ना कि खूनी कोई और ही है? सारे सबूत विनोद की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये खून बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे कि पहले, वैसे ही गाड़ी, मंगलसूत्र, कान की बालियां और चूड़ी को गायब हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जब ये खून हुआ तो विनोद आप ही के लॉकअप में था यहाँ। फिर ये खून कैसे कर सकता है? अब आप विनोद को जेल में नहीं रख सकते, आपको उसे छोड़ना होगा। I'm sorry जीजा जी, मैंने आप पर शक किया। मैं जानती हूँ सबको बहुत परेशानी हुई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक पल के लिए तो मुझे भी लगने लगा था कि मैं ही खूनी हूँ, लेकिन अब मैं डॉक्टर सहगल की बात मानकर अपना इलाज करवाऊंगा। फिर हमेशा के लिए इस नींद में चलने की बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। दीदी तो मुझसे अब भी नाराज हैं। I'm sorry दीदी, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। आज रात को मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत बातें करनी होंगी। बाय, गुड नाइट। दो दिन जेल का खाना खाकर घर का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ शालिनी, अगर तुम कुछ दिन बहुत परेशान रही, कभी कभी तो तुम्हें भी लगा होगा कि ये खून मैंने ही किए होंगे। ये क्या शालिनी, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। लो ये सूप ले लो। अच्छा सूप नहीं तो कुछ और बोलो, क्या खाओगी? ये क्या हो गया तुम्हें चलूंगी? तुम बात कर क्यों रही हो? क्योंकि वो आ रहे हैं। ये सब क्या है? वो आखिरी खून, उस लड़की को मैंने मार दिया तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि असली खूनी तुम हो। ये तुमने क्या किया शालिनी, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुमने खून कर दिया। दरवाजा खोलो, पुलिस, हम जानते हैं कि असली खूनी कौन है। दरवाजा खोलो। वेल मिस्टर विनोद शर्मा, केस खुलकर सामने आ गया और हमें असली खूनी का पता चल गया। कौन है वो? जब आखिरी खून हुआ तो तुम जेल में थे। साफ जाहिर है कि ये खून तुमने नहीं किया। अगर तुम खूनी नहीं हो तो इसके अलावा ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। तुम है कौन? तुम्हारा ड्राइवर अरुण। अंदर लेकर आओ उसे। इसका मतलब वो खून मैंने नहीं किया? नहीं, ये सारे खून अरुण ने किए और ये इस बात को मानता है। हमें तलाशी के वक्त वो चाकू भी मिला है जिससे इसने सारे खून किए। इसने तुम्हारी गाड़ी की नकली चाबियां बना रखी थी। तुम्हारे सो जाने के बाद ये तुम्हारी गाड़ी ले जाकर खून करता था। इसीलिए उन्होंने तीन लड़कियों के खून भी किए। पर क्यों? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बहुत साल पहले इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया। लड़कियों को मार के इसको ऐसा लगता है जैसे कि अपनी बीवी से बदला लिया। हाँ, मैंने उसकी वजह खून किया है क्योंकि मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। गद्दार है वो लोग। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? इसने सारे खून कबूल कर लिए सिवाय एक खून के, वो खून जो तब हुआ जब तुम जेल के अंदर थे। ये बार बार यही कह रहा है कि इसने ये खून नहीं किया, तो फिर ये खून किसने किया होगा?
कहीं पागल हो गई है।